स्कंद माता की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के पांचवे दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम स्कंद माता की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के पांचवे दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, आज नवरात्रों के पावन पर्व का पांचवा दिन है और नव दुर्गा का पांचवा रूप स्कंद माता का है। अतः आज के दिन सभी भक्त स्कंद माता के रूप की पूजा करते हैं। भक्तों, स्कंद माता का ये रूप बड़ा ही कल्याणकारी है। इनकी पूजा करने मात्र से ही भक्तों को कष्ट और कलेशों से मुक्ति मिलती है। स्कंद माता के भक्त सदा ही निर्भय रहते हैं। भक्तों, सुनाते हैं। नवरात्रों के पांचवे दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, आज पांचवी नवरात्रि में हम स्कंद माता के रूप का वर्णन, उनकी कथा और पूजा विधि का वर्णन करेंगे। स्कंद माता की चार भुजाएं हैं और माता कमलासन पर विराजमान हैं। उनकी सवारी सिंह है। भक्तों, दाई तरफ की ऊपर वाले भुजा से भगवान कार्तिक को पकड़ा हुआ है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। ऊपर वाली बाई भुजा वर मुद्रा में है तथा नीचे वाली बाई भुजा में भी कमल पुष्प लिया हुआ है। भक्तों, माता का ये रूप बड़ा ही कल्याणकारी है। भक्तों, कैसे नाम पड़ा है भक्तों इनका स्कंद माता। स्कंद पुराण में ही मिलते हैं इसकी पावन गाथा। कथा को हम दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के पांचवे दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, माता भगवती को स्कंद माता के रूप में कब से जाना जाने लगा, इसकी बड़ी ही पावन गाथा स्कंद पुराण में भी मिलती है। भक्तों, आज हम इस कथा का वर्णन करेंगे।
कर नामक दानो एक बड़ा बलशाली था। करने लगा है ब्रह्मा जी की वो तो कठिन तपस्या। कठिन तपस्या करके प्रसन्न ब्रह्मा जी को किया और अमरता का वरदान भी उनसे मांग लिया। अमर नहीं हो सकता है कोई ब्रह्मा जी बोले और कोई वरदान चाहे वो मुझसे मांग तुले। मृत्यु तो सदा टल है वो कभी टल नहीं पाएगी। जिसके हाथों चाहे जन्म लिया है वो सब एक दिन जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं नवरात्रों के पांचवे दिन इनको ही ध्याते हैं। हम कथा सुनाते हैं भक्तजनों। इस तरह ब्रह्मा जी ने तारकासुर से कहा कि हे तारकासुर, जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तुम कोई ऐसा वरदान मांगो कि जिसके हाथों तुम चाहो मृत्यु उसी के हाथों से हो। तारकासुर बड़ा ही चालाक था भक्तों। उन दिनों माता सती ने आत्मदाह कर लिया था और भोलेनाथ वैरागी होकर कैलाश पर्वत पर आ गए थे। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मेरा वध सिर्फ शिव की संतान ही कर पाए। वो जानता था कि ना तो शिव विवाह करेंगे ना ही उसकी संतान होगी। इस प्रकार मैं अमर हो जाऊंगा। शिव की हो संतान जानता है वो सती विरह में भोले हुए वैरागी। ना शिव की संतान कोई है ना मृत्यु आएगी। ब्रह्मा जी ने मन चाहा उन्हें दे दिया है वरदान। तारकासुर को अपनी शक्ति पे हुआ बड़ा अभिमान। ऋषि मुनियों के अज्ञान में उत्पन्न करता छीनने का भी मन में किया इरादा। युद्ध में देवता गण भी उसको हरा ना पाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं नवरात्रों के पांचवे दिन इनको ही ध्याते हैं। हम कथा सुनाते हैं जनों। इस प्रकार तारकासुर ने ऋषि मुनियों के यज्ञ हवन में बाधाएं उत्पन्न करनी शुरू कर दी और देवताओं के स्वर्ग सिंहासन को अधिकार में लेने की योजना बनाने लगा। क्योंकि उसको ब्रह्मा जी का वरदान था कि शिव के संतान के अलावा उसे ना तो कोई मार सकता था और ना ही युद्ध में हरा सकता था भक्तों। इस तरह दिन प्रतिदिन तारकासुर के अत्याचार और बढ़ने लगे। के जुल्मों का कोई दिखता ना समाधान। भोले नाथ हुए
मनाते हैं। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। तेरी जय हो स्कंद माता, भक्तों की भाग्य विधाता। भक्तजनों, जब माता सती ने अपना अगला जन्म राजा हिमालय के घर में लिया, तब देवताओं को जाकर विश्वास हुआ कि तारकासुर के अत्याचारों का अंत अत्यंत ही निकट है, क्योंकि देवी सती ने पार्वती के रूप में जन्म ले लिया है भक्तों। और एक ना एक दिन माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह अवश्य ही होना है। समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, नवरात्रों के पांचवे दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रकार मुनि नारद के वचनों को सुनकर माता पार्वती तपस्या करने वन में आ जाती हैं। उन्होंने हजारों वर्षों तक बड़ी ही कठिन तपस्या की। अनेकों वर्षों तक कंदमूल फल खाकर अपना जीवन यापन किया भक्तों। तत्पश्चात कंदमूल फल भी खाने छोड़ दिए और सिर्फ सूखे पत्ते खाकर ही तपस्या करने लगी। इतने पर भी जब शिव ना माने तो माता ने सिर्फ वायु पीकर ही जीवन यापन किया और भोलेनाथ की कठिन तपस्या की भक्तों। सुनाते हैं नवरात्रों के पांचवे दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तो भक्तजनों, अब सभी देवताओं ने सोचा कि तारकासुर के अत्याचारों का अंत तो हो ही जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि शिव की संतान ही तारकासुर का वध करेगी। इसीलिए सभी देवता एकत्रित होकर भगवान कार्तिक को लेने के लिए माता गौरा के पास आते हैं और भगवान कार्तिक को अपने साथ ले जाने की विनती करने लगते हैं भक्तों। को माँ हमें ले जाने दे।
कर सकता है जो शिव की हो संतान। हम कार्तिक को माता सेनापति बनाएंगे, तारक असुर के अत्याचारों को यही मिटाएंगे। इतना सुनकर सब देवों से माता कहने लगी, कैसे लड़ेगा योद्ध कार्तिक बड़ा नादान अभी। अस्त्र शस्त्र भी इसको नहीं चलाने आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के पांचव दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, माता पार्वती देवताओं की बात सुनकर कहती हैं कि अभी तो कार्तिक बड़े ही नादान हैं, ये अभी युद्ध विद्या में निपुण भी नहीं है। अतः आप थोड़े समय इंतजार करो, मैं पहले कार्तिक को युद्ध विद्या में निपुण करती हूँ। शस्त्र भी चलाने उनको फिर माता ने सिखाए, फिर तो कार्तिक युद्ध विद्या में निपुण शीघ्र हो जाए। देवगणों को भक्तों जब है ये ज्ञात हुआ, युद्ध विद्या में निपुण कार्तिक अब तो हो ही गया। कार्तिक को लेने के लिए वो माँ के पास आए और कार्तिक को अपना सेनापति बनाए। तारक असुर को जाकर के फिर कार्तिक ने ललकारा, आखिर वो पापी गया है कार्तिक के हाथों मारा। सभी देवता उनकी जय जयकार बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के पांचव दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, इस प्रकार तारकासुर दानों के अत्याचारों का अंत हुआ। माता पार्वती ने ही कार्तिक को सभी अस्त्र शस्त्र चलाने सिखाए और युद्ध विद्या में उनको निपुण कर दिया। तब जाकर कार्तिक ने तारकासुर संहार किया। भक्तों, भगवान कार्तिक का ही दूसरा नाम स्कंद भगवान है। माता पार्वती को इसीलिए स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। क्षमा चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नवरात्रों के पांचव दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी स्कंद माता की पावन कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही भक्त जनों के समस्त पाप कट जाते हैं। स्कंद माता का यह रूप बड़ा ही कल्याणकारी है। भक्तों, आइए अब आपको स्कंद माता की पूजा विधि बताते हैं।
राखी पर स्वच्छ साफ एक कपड़ा लाल बिछाए, उस चौकी पे स्कंद माता की प्रतिमा लगाना है, गंगा जल से फिर माता को स्नान कराना है, लाल वस्त्र पहना कर करनी है 16 श्रृंगार, चंदन तिलक लगा कर अर्पित कर पुष्पों का हार, गाय के दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए, घी का दीपक जला के पूजा आरती गाइए, कृपा बड़ी है स्कंद माता की फिर हम पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, नवरात्रों के पांचवे दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, विधि विधान से पूजा पाठ करके स्कंद माता के मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें, माता को घी का दीपक जलाकर आरती करें, भोग लगाकर भक्तों में प्रसाद वितरण अवश्य करें, स्कंद माता आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा अवश्य करेंगी। तो आइए मिलकर प्रेम से बोलते हैं स्कंद माता की। सर पे हाथ हो काम सभी बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, नवरात्रों के पांचवे दिन इनको ही ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं।